दोस्त यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले मैंने कई मॉक कराए हैं जो प्लेलिस्ट में 1, 2, 3 करके पड़े हैं, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम अकर्स इन, कैल्शियम पाया जाता है ऑल बॉडी सेल्स में, बोन्स एंड टीथ में, सेल्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम में, 5% ऑफ मिनरल कंटेंट में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, ऑल बॉडी सेल में, ए वाला ऑप्शन सही होगा। बट बोन एंड टीथ का यह मेजर कंपोनेंट होता है। बोन्स और टीथ का यह मेजर कंपोनेंट होता है, बाकी पाया जाता है सभी बॉडी सेल्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंपेनियन सेल्स आर यूजुअली सीन एसोसिएटेड विद, तो किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं आपको बताना है। फाइबर्स, ट्रैकेट्स, वेसल्स, सीव ट्यूब्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब्स। और कंपेनियन सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं। जबकि सीव ट्यूब नॉन लिविंग होती हैं, फ्लोएम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैस्कुलर बंडल हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडियस इज कंसेंट्रिक, रेडियल, ओपन, कोलैटरल। तो इसका आंसर होगा डी, कोलैटरल। डी वाला ऑप्शन सही होगा। एक्चुअली कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल दो प्रकार के होते हैं, कोलैटरल एंड बाइकोलैटरल। तो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियस में सिचुएटेड होते हैं। कोलैटरल एंड बाइकोलैटरल। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लैटिसीफेरस वेसल्स आर फाउंड इन, आपको बताना है कि लैटिसीफेरस वेसल्स पाई जाती हैं किसमें, जाइलम टिश्यू में, फ्लोएम टिश्यू में, कॉर्टेक्स में, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा सी, कॉर्टेक्स। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्यूनिका कापर्स थ्योरी इज कनेक्टेड विद, ट्यूनिका कापर्स थ्योरी इनमें से किससे संबंधित है आपको बताना है। रूट अपेक्स, रूट कैप, शूट अपेक्स, सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका सही आंसर होगा सी, शूट अपेक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यह किसके द्वारा दी गई, यह थ्योरी वॉज गिवेन बाई स्किमिडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, इन 1924 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाइकोलैटरल बंडल्स अकर इन स्टेम ऑफ, इनमें से किसके स्टेम में बाइकोलैटरल बंडल पाए जाते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ड्रेसिना, पंपकिन, ग्राम, सनफ्लावर। तो इसका सही आंसर होगा बी, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो बाइकोलैटरल बंडल कुकरबिटेसी फैमिली के स्टेम में पाए जाते हैं। और इसका आपने एक एग्जांपल ये देखा, और भी एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये भी पूछा जाता है, ल्यूफा, पंपकिन्स, तो इनमें बाइकोलैटरल बंडल्स पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अवैस्कुलर बंडल विद सेंट्रीफ्यूगल जाइलम इज कॉल्ड, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक्सार्क, मिजार्क, एंडार्क, कंसेंट्रिक। तो इसका सही आंसर होगा सी, इज कॉल्ड एंडार्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पी प्रोटीन यानी फ्लोएम प्रोटीन बिलोंग्स टू जाइलम पैरेन्काइमा, ट्राइकोम्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ट्राइकोम्स।
ट्राइक्लियट्स एंड वेसल्स। तो इसका सही आंसर होगा सी, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेफाइट्स आर क्रिस्टल्स ऑफ, रेफाइट्स क्रिस्टल होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्सीलेट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, कैल्शियम ऑक्सीलेट, CaC2O4। एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम इज, आपको उस मोनोकॉट को बताना है जिसके स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिए फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसके अलावा और किसमें दिखाई देती है? तो पाम और ड्रेसिना। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्हें आप भी ध्यान दीजिएगा साथ साथ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टाइलोसिस अकर्स इन, टाइलोसिस पाए जाते हैं सेकेंडरी जाइलम में, सेकेंडरी फ्लोयम में, कैलस टिश्यू में, कॉक्सिल में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, सेकेंडरी जाइलम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन कंटेन्स वैस्कुलर बंडल इन अ रिंग, वीट, लिली, कॉटन, अनियन। तो इसका सही आंसर होगा सी, कॉटन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि कॉटन जो है ये डाइकॉट है और ये मोनोकॉट है, इसमें वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं जबकि ये डाइकॉट है, इसमें रिंग में अरेंज होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विलामिन फाउंड इन एपिफाइटिक रूट्स इज मेंट फॉर, तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप खोजिएगा फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉक सेल्स आर इम्परवियस ड्यू टू डिपोजिट ऑफ, क्यूटिन, लिग्निन, सुबेरिन, काइटिन। तो इसका सही आंसर होगा सी, सुबेरिन, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं किसमें? मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट रूट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, मोनोकॉट रूट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलीआर्की कंडीशन इज फाउंड इन, पॉलीआर्की कंडीशन पाई जाती है मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट रूट में, मोनोकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में। तो इसका सही आंसर होगा ए, मोनोकॉट रूट में, ए वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो कम्स आउट फर्स्ट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, इनमें से कौन सा पार्ट है जो सीड जर्मिनेशन के दौरान सबसे पहले निकलता है? रेडिकल, प्लीम्यूल, हाइपोकॉटिल, एपिकॉटिल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मेज, पी, व्हीट, राइस। तो इसका सही आंसर होगा बी, पी, मटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकरेंस ऑफ मोर देन फोर स्पोर्स फ्रॉम अ स्पोर मदर सेल्स इज कॉल्ड, पॉलीसिफोनी, पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पोरी, पॉली एम्ब्रियोनी। तो इसका सही आंसर होगा सी, पॉलीस्पोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
इन बाइसेक्सुअल फ्लावर व्हेन द गाइनोसियम मैच्योर अर्लियर देन द एंड्रोसियम इट इज। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिए फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, प्रोटोसिनी, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोपाइल इन सीड हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ, माइक्रोपाइल हेल्प करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, वाटर, मेल गैमेट, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ए, पॉलन ट्यूब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म जेनिया डिनोट्स द इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन द सोमैटिक टिश्यू, रूट, फ्लावर, एंडोस्पर्म। तो इसका आंसर होगा डी, एंडोस्पर्म। तो द इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन द एंडोस्पर्म इज नोन एज जेनिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टैप्टल सेल्स आर जनरली विदाउट कंप्लीट हैप्लॉइड जीनोम, हैप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, एनियोप्लॉइड। तो इसका सही आंसर होगा सी, पॉलीप्लॉइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफिली अकर्स इन, ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, वेलिसनेरिया में। इसमें पॉलिनेशन आउटसाइड द वाटर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाइसेक्चुअल फ्लावर विच नेवर ओपेंस इज होमोगैमस, हेट्रोगैमस, डाइकोगैमस, क्लिस्टोगैमस। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्लिस्टोगैमस, डी वाला ऑप्शन सही होगा। द फ्लावर्स विच नेवर ओपेंस आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉलन ट्यूब आफ्टर पासिंग थ्रू स्टाइलर टिश्यू इज अट्रैक्टेड टूअर्ड्स द एग बाय एग न्यूक्लियस, डिसिमिलर इलेक्ट्रिक चार्ज, फिलीफॉर्म अपरेटस ऑफ सिनर्जिड, द ओनली पाथवे अवेलेबल टू इट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, बाई फिलीफॉर्म अपरेटस ऑफ सिनर्जिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन वर डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन आपको दिए गए हैं हॉफमेसर, नवाचिन एंड गिगनार्ड, लिवेनहॉक, स्ट्रॉसबर्गर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखिए और इसका आंसर चूज कीजिए। इसका आंसर होगा बी, नवाचिन एंड गिगनार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लीजिएगा इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफिटिक टिश्यू विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एपोस्पोरी, एपोगैमी, एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका सही आंसर होगा बी, एपोगैमी, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो एपोगैमी इज द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफिटिक टिश्यू विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म्स माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन सैक, पॉलन ग्रेन्स, मेल गैमेट। तो इसका सही आंसर होगा सी, पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फॉर्म्स पॉलन ग्रेन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरिस्पर्म इज, तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसको अच्छे से पढ़िएगा फिर इसका सही आंसर जो भी हो कमेंट बॉक्स में सब लोग जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूसिलस फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्रूट, सीड कोट, पेरिस्पर्म, सीड, रैफी। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा बी, पेरिस्टम। तो यहाँ से आपको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।